ओम शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्ष 2003 आपके जीवन में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष, कि जिस वर्ष डायमंड हॉल में डायरेक्ट बाप दादा की नज़रें आप पर पड़ी और उनके मधुर महावाक्य आपके कानों में गूंजे और उसी पल आपका अलौकिक जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ, चूंकि बाल्यकाल से ही अपने लौकिक पढ़ाई में भी मेधावी छात्र रहे हैं, तो अलौकिक जीवन में भी जन्म लेते ही अलौकिक पढ़ाई में अपनी मेधा का उपयोग किया और हम देखते हैं कैसे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की कतार में खड़े हो गए, है ना। तो ऐसे हमारे भ्राता जी, वैसे तो भगवान की खोज थी, जब तक भगवान नहीं मिले थे तो चले थे हद के सन्यासी बनने, लेकिन जैसे कहते हैं इंसान के मन में कुछ और होता है और भगवान के मन में कुछ और। जब भगवान ने देख लिया ये थोड़ी विपरीत दिशा में जा रहा है, उसी पल उनको पकड़ लिया और बेहद का सन्यासी राज ऋषि बना दिया। तो आज हमारे बीच में सच्चे राज ऋषि बैठे हैं, जिन्होंने लौकिक अलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में खूब नाम कमाया है। न सिर्फ नाम कमाया है लेकिन बहुत दुआएं कमाई है। आप वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं और साथ साथ कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और इंटेंसिविस्ट हैं। 2002 में आपने MBBS पूरा किया था, 2003 में बाबा मिले और 2010 में ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और फिर मधुबन में भी आकर तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाया। और उस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जो भाई बहनें अपनी प्रोग्रेस कर रहे थे, जो नया नया चिंतन हो रहा था टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पूरे विश्व में फैला, उसकी खुशबू सब तरफ पहुंची और परिणाम ये निकला मधुबन में सब आके एक डिमांड जरूर करते हैं, एक क्लास सचिन भाई की। तो आज वो क्लास देने के लिए आज हमारे बीच में हैं और उनका विषय बहुत सुंदर है, अग्नि पथ के पंथी जागो। तो हम सुनेंगे भ्राता जी से, उससे पहले सुमन बहन जी भ्राता जी के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ कहेंगी। ओम शांति। हमारे सामने एक एग्जाम्पल बैठे हैं, कोई ये कहता है कि युवाओं के लिए संभव नहीं है, तो युवा हमारे सामने संभव करके बैठा है। कोई कहता है कर्म करते हुए कर्म क्षेत्र पर ये सब संभव नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कर्म योगी या कर्म क्षेत्र पर सचिन भाई हैं, जिनका 24 घंटे भी ड्यूटी पर कई बार रहते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि अकेले संभव नहीं है, लेकिन सचिन भाई अकेले वो सब संभव कर रहे हैं जो असंभव है। और जीवन बीके जीवन कैसा होना चाहिए, दिन प्रतिदिन ज्ञान मनोरंजक लगना चाहिए, वो रोज़ हमारे लिए अलग अलग तासीर में हमारे सामने रखते हैं। तो सचिन भाई के लिए ये लिखा है, वैसे सचिन भाई ये हैं पर सचिन भाई के लिए है, उनको भी ये करना है। प्रज्वलित वैराग्य की मशाल जेहन में, प्रज्वलित वैराग्य की मशाल जेहन में, पल्लवित अनुराग प्रभु की बेल मंथन में,
पल्लवित अनुराग प्रभु की बेल मंथन में अंकुरित दिव्यता के संस्कार अवचेतन में प्रफुल्लित हृदय के तार ज्ञान गुंजन में तुम वक्त के अवलंब पर परिमाप पूरा हो, तुम वक्त के अवलंब पर परिमाप पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो इंतजार पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो इंतजार पूरा हो, ध्येय की धुरी पर पुरुषार्थ के कदम, ध्येय की धुरी पर पुरुषार्थ के कदम, अखिलेश की श्रीमत भरे परमार्थ के कर्म, अखिलेश की श्रीमत भरे परमार्थ के कर्म, उद्देश्य की किताब में पुण्य भरे गहन, उद्देश्य की किताब में पुण्य भरे गहन, इल्म की ईदगाह में कैवल्य भरी नज़म, इल्म की ईदगाह में कैवल्य भरी नज़म, तुम नियत की परणीत पर इकबाल पूरा हो, तुम नियत की परणीत पर इकबाल पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो इंकलाब पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो इंकलाब पूरा हो, पाकीजगी में डूब कर तकदीर सतरंगी है, पाकीजगी में डूब कर तकदीर सतरंगी करी, रूहानियत के रंग में तस्वीर दिल की रंगी है, रूहानियत के रंग में तस्वीर दिल की रंगी है, धारणाओं के धर्म पर, धारणाओं के धर्म पर निखार है चरित्र का, धारणाओं के धर्म पर निखार चरित्र का, भावनाओं के अर्श पर खुमार परम मित्र का, भावनाओं के अर्श पर खुमार परम मित्र का, तुम साधना के द्वार पर कर्तव्य पूरा हो, तुम साधना के द्वार पर कर्तव्य पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो गजगोर पूरा हो, हे योगी कुछ क्रांति करो गजगोर पूरा हो। आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। घर घर में इनकलाब की आग जलाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तो परमात्मा संसार में आया है हम सबको जगाने, हे योगी कुछ क्रांति करो। क्रांति अर्थात विद्रोह, स्वयं के अपने संस्कारों के साथ विद्रोह। जो पुराना है उस पुरानी सत्ता के खिलाफ विद्रोह, जो विकारी है उसका प्रतिकार, जो त्यज्य है जो व्यर्थ है उसके खिलाफ बगावत। ऐसे रूहानी बागी हम हैं। द स्पिरिचुअल रेबल्स। एक व्यक्ति सो रहा था और सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा एक फरिश्ता आया है, और उस फरिश्ते ने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे खुदा ने भेजा है, और तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतना अच्छा काम करते हो, तो खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ सौगात दी है। स्वप्न में वो खुश होता है, क्या सौगात दी है? वो कहता है ये 10 रुपये भेजे हैं भगवान ने तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति कहता है तुम खुदा की तरफ से आए हो और केवल 10 रुपये? बहुत नाराज होता है। उसे मोल भाव करते करते 99 रुपये तक ले जाता है, और फिर आखिर में अड़ जाता है 100 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तुम कैसे फरिश्ते हो, कैसा तुम्हारा भगवान है कंजूस, 100 से तो 1 पैसा कम नहीं लूंगा। झगड़ा हो जाता है फरिश्ते के साथ, और उसी झगड़े में वो जाग जाता है। देखता है फरिश्ता कहीं पर भी नहीं है।
सोचता है ये क्या हुआ, फिर सोता है, कहता है फरिश्ते को आ जाओ आ जाओ, 90 भी चलेंगे। कहता है 80 भी चलेंगे आ जाओ, 10 रुपए तक आता है, फिर कहता है 1 रुपया भी चलेगा पर आ जाओ। परंतु वो नहीं आता है फरिश्ता, जो स्वप्न एक बार देखा वो फिर कैसे आएगा। और मनुष्य एक ही स्वप्न बार बार देखते जाता है और बार बार उन्हीं स्वप्नों के प्रलोभन में सोया रहता है। उसी सोई चेतना को जगाने भगवान आया है। चेतना की चार अवस्थाएं हैं, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली जागृत, जो अब है, हम जगे हुए हैं, आंखें खुली है, संसार को देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। 2, स्लीपिंग, जिसमें हम सो रहे हैं। 3, स्वप्न, जिसमें हम स्वप्न देख रहे हैं। इन 3 अवस्थाओं का तो गायन है और इन 3 अवस्थाओं का सबको अनुभव भी है। स्वप्न जागृत सुषुप्ति, स्वप्न में है, या तो सोया है या तो जगा है। परंतु योगी इन 3 अवस्थाओं से पार जाता है और वो जो चौथी अवस्था है उसका कोई नाम ही नहीं है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उस अवस्था को नाम दिया है द 4th तुरीय। तुरीय अर्थात द 4th। ये जो द 4th है, ये ना स्वप्न है, ये ना जागृत है, ये ना सुषुप्ति है, ये तुरिया अवस्था है। तुरिया, तुरिया शब्द का अर्थ है चौथा, द 4th। उसका कोई अर्थ नहीं, उसका अर्थ ही ये है जो चौथा है, द 4th। इसी को अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक नाम दिए गए हैं। किसी ने इसे एनलाइटनमेंट कहा, बुद्ध ने इसे सम्यक संबोधि कहा, निर्वाण कहा, किसी ने यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस कहा, किसी ने केंशो कहा, किसी ने बी एटीट्यूड कहा, एक हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की उच्चतर अवस्था। हम उसे बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, समान अवस्था कहते हैं। तो ये जो चेतना की अवस्था है, द हाईएस्ट स्टेट, ये जो पहली 3 अवस्थाएं उनसे लगभग कुछ कुछ मिलती जुलती है। ये जागृत इसलिए है कि इसमें योगी संपूर्ण जागृत है, हर चीज के विषय में जागृत है। ये स्वप्न, ये नींद इसलिए है क्योंकि नींद में जो परम शांति होती है और शरीर से डिटैचमेंट होता है, वही अनुभव इस अवस्था में भी है। और वो जो स्वप्न की अवस्था है, इस अवस्था में संसार ही स्वप्न बन जाता है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो योगी को प्रभावित नहीं करता। योगी अलिप्त, निसंग, असंग, डिटैच्ड, विरक्त हो जाता है। संसार में घूमते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, ऐसा विचरण करता है जैसे यहाँ है ही नहीं। एक दूसरी कहानी है,
सिद्धार्थ गौतम की, अब बुद्ध बने नहीं है, अब राजभवन में ही है, उनकी सेवा में एक नौकर नियुक्त था। वो नौकर काम होते ही द्वार पर बैठ जाता था और सुबह सुबह गायों को गिनने लगता था, वो गाय जो चरने के लिए सुबह जा रही है वन में, हजारों गायों को गिनता था और फिर शाम को वापस गिनता था। शाम का समय भारत की संस्कृति में उसे कहते हैं गोधुली। गोधुली का वो समय जहाँ गैया वापस लौट रही है, धूल उड़ रही है, पंछी गा रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या काल है, ट्वाइलाइट, और वो वापस अपनी गायों को गिनता है, हजारों गाय है, और फिर उसे चिंता होती है कहीं कोई गाय मिस हो गई है, कोई गाय शायद कहीं खो गई है, कोई गाय आई ही नहीं है, और फिर उसे रात भर नींद नहीं आती, वो सोचते रहता है कि मेरी गाय कहाँ चली गई होगी, वो एक गाय मुझे बहुत प्यारी थी। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ, बुद्ध के सामने भिक्षु बैठे हुए हैं, तब बुद्ध कहते हैं कि मैंने एक दिन, हे भिक्षु सुनो, उस व्यक्ति से पूछा तुम्हारे पास गाय कहाँ है, वो कहता मैं तो गरीब आदमी हूं, गाय मेरे पास है ही नहीं, तो गिनती किसकी हो, वो दूसरों की गाय है, दूसरों की गायों को गिनते गिनते सुबह अपना समय लगाता है, शाम को जो गाय उसकी है ही नहीं, वो गुम हो गई, वो खो गई, इसलिए अपना समय लगाता है। हे भिक्षु सुनो, तुम्हें दूसरों की गाय को गिनने में अपना समय नहीं लगाना है, किसकी कितनी गाय है और कहाँ खो गई है और क्यों खो गई है और क्यों वापस नहीं आ रही है, तुम्हें अपनी एक भी गाय हो तो पर्याप्त है, और मनुष्य के पास अपनी कोई एक गाय नहीं है, उसका सारा चिंतन उधार का चिंतन है, उसने जो कुछ पढ़ा है वो दूसरों की गाय है, वो को कुछ समझता है वो किताबों से लिया हुआ है, उसका अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर वो ज्ञान चाहे भगवान के मुख से ही निकला क्यों ना हो, वो उसका ज्ञान है, वो मुरलियों में है, वो वाणियों में है, वो अव्यक्त वाणियों में है, साकार वाणियों में है, परंतु वो हमारा अभी बना ही नहीं है, हमारी एक भी गाय नहीं है जो हमारा पोषण करे, हमारा सारा चिंतन उधार का चिंतन है, हमने जो धारणाएं बनाई हैं वो हमें बताई गई और हमने किया, भगवान उवाच है मैं जो कहता हूं उसे जज करो, राइट है कि रॉन्ग है, ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जो गाय उगारती नहीं उसे बीमार कहा जाता है, जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है, चिंतन ही वो है जो इस ज्ञान को हम अपना बना सकेंगे। ढेर सारी किताबें, ढेर सारी वानियाँ, ढेर सारा ढेर सारी मुरलियाँ, ढेर सारी क्लासेस, पर इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो जीवन का ये पथ, ब्राह्मण जीवन का ये पथ अग्निपथ है, और हम सभी पंथी हैं इस अग्निपथ के। अग्निपथ क्यों है और कैसे जागे, इस वाक्य में बड़ा विरोधाभास है। ब्राह्मण जीवन का ये मार्ग
अग्निपंथ है। ये टॉपिक में ही विरोधाभास है। हमने कहा अग्निपंथ के पंथ ही जागो, वास्तव में ये अग्निपंथ ही जगा के रखता है। एक तरफ तो कह रहे हैं जागो, सोए हो, स्वप्न में हो, परंतु ये जो मार्ग है और इसमें जो आग है, यही हमें जगा के रखती है। इस मार्ग में क्या क्या है और ये क्यों अग्निपंथ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पर उसके पहले एक कुछ ऐसी घटनाएं हैं, शायद हमने आज तक, वो हमारे अपने जीवन की घटनाएं हैं, शायद कभी भी कहीं पर किसी भी मंच पर नहीं बताई। ज्ञान में आने के पहले का समय था एक, चैप्टर वन, पर ज्ञान में आने के बाद जो पहले संघर्ष था उससे भी बड़ा संघर्ष रहा। वो तो संघर्ष था ही, परमात्मा की खोज, परंतु उसके बाद भी इस परिवार के अंदर संघर्ष रहा, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं की। ऐसी कुछ घटनाएं हैं, लगभग 6 से 7। पहले उसको सुना रहे हैं, फिर विषय की ओर आएंगे। हम यहाँ आ गए थे 2003 में, 2005 तक थे, 31 मई 2005 हमें पोस्ट ग्रेजुएशन मिला। हम गए, कई जगहों पर थे, अलग अलग जगहों पर, बीच में फिर मुंबई जाना हुआ पढ़ाई के लिए। यहाँ से हमें भेजा गया था कि फला फला डॉक्टर है, उनके पास जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और हम यहाँ से गए थे इस संकल्प के साथ कि मैं ही यज्ञ हूँ, जो मेरी मदद करेगा, जो मुझे सहयोग देगा, वो मुझे नहीं देगा, यज्ञ को देगा, और उसे बहुत दुआएं मिलेगी। मुंबई शहर में प्रवेश पहली बार, और जिस डॉक्टर के लिए हमें कहा था, जो बहुत बड़े डॉक्टर है, अभी भी है, उनके पास हम गए और हमने कहा मधुबन से, माउंट आबू से हम आए हैं, यहाँ के जो कुछ विशिष्ट लोग हैं बड़े, उन्होंने हमें भेजा है। हम बहुत छोटे थे तब, छोटे तो अभी है सभी, 23-24 एज। तो उन्होंने हमसे कहा तुमने क्या किया है, हमने बताया ये सब पढ़ाई की है, MBBS किया है, तुम क्या करोगे। उन्होंने ऐसे कहा कि beggars और not choosers, जो भिखारी होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है, get lost। आघात हुआ, बहुत पीड़ा हुई। हमने सोचा था हमें सीख कराना है बहुत कुछ, बहुत सीखना है, पर यहाँ आके हम क्या सीखे, ये तो हमें बहुत छोटा समझते हैं, और ये बहुत बड़े हैं, इतना बड़ा उनका सब कुछ, हॉस्पिटल और। तो हमने कुछ कहा नहीं, हम वहाँ से निकल गए और फिर अपना जो अस्पताल है वहाँ गए थे। वहाँ एक सेकंड पेपर ज्वाइन तो कर लिया, कुछ दिन वहाँ रुके, पर फिर जो एकोमोडेशन दिया गया वहाँ पे, सारे लौकिक संसार के डॉक्टर्स हैं और उनका पीछे बिल्डिंग्स है कुछ 2-3 किलोमीटर पीछे। हमें कहा कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। हम गए और वहाँ जाते ही देखा जो कमरा था वहाँ 2 लोग और थे, पूरे कमरे में दारू की बोतलें थी, इतना सब कुछ खराब था वो। हम मधुबन से गए थे, हमने कहा यहाँ हम नहीं रह सकते, इन लोगों के बीच कैसे रहे।
वो इतना हालत इतनी खराब थी उस उन कमरों की, मतलब जहाँ हम फिर वापस हम आए, बाबा के कमरा है वहाँ पर, हमने कहा इम्पॉसिबल, हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ। वहाँ बैठे रहे और रोते रहे। बाबा से जैसे टचिंग हुई, तुम यहाँ आए हो कुछ सीखने के लिए आए हो, ये सब तुमको सहन करना पड़ेगा। रहना पड़ेगा वहां पर उन सभी लोगों के बीच जो इस ज्ञान का उन्हें कोई पता नहीं, जो संसार के विकारों में फंसे हुए। हम वापस गए, उस कमरे को साफ करने में 3 दिन लगे। रोज इतना कचरा और इतना सब कुछ था वहां, इतनी बोतलें, अलमारी, सब 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 सब। वो कमरा बाहर था और अंदर के कमरे में 2 दूसरे डॉक्टर रहते थे, दरवाजा कॉमन था। वो दूसरा अनुभव था, तीसरा अनुभव। पहले यहाँ ड्यूटी, वहाँ ड्यूटी, नाइट ड्यूटीज, रात रात भर बैठे रहते थे उधर। पेशेंट जब नहीं रहते थे तो बाबा के कमरे में। और फिर हमें लगा हमें और एक्स्ट्रा और सीखना है, आईसीयू, क्रिटिकल केयर, ये सारी बातें। तो हम वहाँ गए, उनसे मिले, उन्होंने हमसे एक बात कही, यू आर बिलो जीरो। जीरो नहीं, जीरो से नीचे हो, क्या आता है तुमको, ये करके बताओ। उन्होंने एकदम कुछ डिफिकल्ट कुछ दे दिया जो हमें पता नहीं था, हमने कभी सुना ही नहीं था उसके बारे में। तो हम फिर भी आईसीयू जाने लगे, उधर की ड्यूटी पूरी करते थे और आईसीयू में टाइम बिताते थे जब ड्यूटी नहीं रहती थी तब। और फिर धीरे धीरे कोई एक ने वहाँ का छोड़ दिया और तुरंत उनको लगा कि ये तो 24 घंटे यहीं रहता है, और हमको ले लिया। और विद इन 6 मंथ्स वो सब सीखा जो शायद वहाँ जो थे कई सालों से थे, हम जैसे उनके बराबर के हो गए। और वही डॉक्टर जिनसे हम सबसे पहले मिले थे, वो तो हमको भूल चुके थे, उसी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट थे। और उनके जितने पेशेंट थे, सचिन यू लुक आफ्टर, ये है ना, तुम देख लोगे ना, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। उनके जो भी पेशेंट्स आते थे हम देखते थे, पर उनको देखकर हमें याद आती थी कि ये वही व्यक्ति है। और आगे कई जगह रहना हुआ और वहां भोजन का हमारे पास कोई अनुभव नहीं था बनाने का। और अचानक सेवा केंद्र से एक दिन जो अब तक मिल रहा था, भोजन मिलना बंद हो गया। उनके कुछ अपने कारण थे और वो कुछ मांस, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने कभी बनाया नहीं था। बहुत जैसे संघर्ष के थे, एक तरफ पढ़ाई थी और कोई सोर्स नहीं था, कैसे कुछ करे, सब कैसे लाए और क्या लाए, छोटा सा कमरा। ये एक अनुभव। एक आगे और पदयात्राएं थी 2007 में, सुना होगा ना, विश्व भर में, भारत भर में। हम जहाँ थे वहाँ 2 दिन में ही हम लोग, हम एक ही कुमार थे, 2 दिन में 11 प्रोग्राम कराए या रखे। और उस बीच में हॉस्पिटल या जो हमारा डिपार्टमेंट था वहाँ से छुट्टी ली थी। पर छुट्टी लेने के बाद जब भी हमने छुट्टी लिया था, फिर भी हमें इतना डांटा, इतना डांटा, क्योंकि उनका ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ थे, वो विरोध था उनका। और जब उनको पता चला ये ब्रह्मा कुमारी में ये सब कर रहा है, यहाँ प्रोग्राम, वहाँ प्रोग्राम, इधर प्रोग्राम, उधर प्रोग्राम, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, फार्मेसी, इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 ही दिन में 11 प्रोग्राम, हम एक ही कुमार थे, सुबह से लेकर रात तक।
बाइक से, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, क्योंकि सीधा यहाँ आ गए थे। इसके लिए एक निरंतर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हमने कुछ किया ही नहीं है, वो अब भी है। कल की ही बात, कल बाबा मिलन हो रहा था और जो गीत बजा लास्ट में, शिव का झंडा ऊंच महान, तो ऐसे लगा कि हमने कुछ भी नहीं किया है, एक कोर्स भी नहीं कराया किसी को आज तक। और परमात्मा का झंडा एक एक हृदय में गाड़ना है, कुछ भी नहीं किया, क्या करूं और कैसे करूं। और एक अनुभव, हम हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, एक समय ऐसा आ गया था, एक बार इसके पहले भी कुछ दिनों पहले, ये सेकंड टाइम सुना रहे, एक टाइम ऐसे आ गया कि कुछ भी नहीं था, ना बैंक में पैसे थे ना कहीं कुछ था, और भोजन का जो कुछ था सब खत्म हो गया था, और उसमें ड्यूटी सब चालू था, क्या करें समझ नहीं आ रहा था। रूम पर आए और चक्कर आया और गिर गए, वो तीसरा दिन था। और फिर हमने देखा वो जो डस्टबिन था उसमें रोटी की एक टुकड़ी टुकड़ा था, तीन दिन पहले वाला, तो उसको हमने लिया और जैसे उसमें आंसू गिरे, हमने बाबा से कहा बाबा मुझे मरने मत देना, क्योंकि बचपन से ही एक संकल्प तो जरूर था, तब कुछ पता नहीं था। इस समय भी ये जो बात बता रहे ये तो बहुत 2010 के पहले की बात है कि कुछ तो महान कार्य करने जन्म लिया है, वो कैसा है वो कौन सा है कुछ पता नहीं। यहाँ आ गए 10th October 2010 ग्लोबल हॉस्पिटल, पहले थे फिर गए 5 साल 6 मास वापस उधर थे संसार में, फिर वापस आ गए। यहाँ से आने के बाद एक और अनुभव, 2011 यहाँ से कोई कॉन्फ्रेंस थी कहीं गए, वहाँ रहे सेंटर पर और इतनी खुशी थी कि मेरा है, मेरा घर है, बाबा का घर है। और हमारा एक दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में था, तो वो कह रहा था मैं अभी होटल में रुक रहा हूँ, तो हमें लगा देखो हमारा कैसे घर है, इतनी खुशी। फिर रात को बहन जी ने कहा कि मधुबन से बड़े भाई आ रहे हैं तब हमें कोई जानता नहीं था तो आप ऐसे करो, वो जो एक भाई है गृहस्थी, आप उनके यहाँ शिफ्ट हो जाना कल। तो हमने कहा उनका कहाँ है, वो 5 किलोमीटर पीछे और वो कॉन्फ्रेंस इधर से और इतना दूर। तो दूसरे दिन फिर सुबह मुरली हो रही थी, उसी समय हम निकल गए, मुरली पूरी होने से पहले हमने बता दिया कि हम जा रहे हैं। तो 3 दिन वहाँ पर वो कोई जहाँ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ होटल में रहे थे, और बहुत जैसे एक क्या खाऊँ कहाँ से खाऊँ और क्या करूँ प्रश्न पड़ रहा था। ट्रेन में बैठे सोचा अभी जाते समय तो कम से कम एक सेंटर से टिफिन आ जाएगा पर उन्हें क्या पता हम कब जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, उन्होंने तो ऐसे ही कहा था, मतलब लिमिटेशंस होती है हर जगह। तो जीवन में अनुभव किया ये अग्निपथ है,
और मुझे मेरे ही अनुभव सिखाएंगे और कोई नहीं। हर चोट ने एक दर्द दिया, एक हर दर्द ने आगे बढ़ाया। तो ये अग्निपथ है, इसमें ऐसी आज महाशिवरात्रि का दिन है, 12 ज्योतिर्लिंग, इस पथ में भी ऐसी 12 बातें हैं जो हर एक को आएगी और उस हर बात से सीख कर आगे बढ़ना है। सबसे पहला एकांकीपन। बाबा साथ है, एक बाप दूसरा ना कोई, खुद भी कहते रहते हैं, दूसरों को दिन रात सिखाते रहते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी ये ब्राह्मण जीवन में एक ऐसा अकेलापन आ जाता है, लोनलीनेस की फीलिंग कि मेरा कोई भी नहीं है, किसके साथ शेयर करूं, किसको बताऊं अपने बातें। बाबा को बता दिया, बहुत बार बता दिया, बट यूनिलैटरल टॉक हुई, एक तरफा, उधर से कुछ नहीं आया। कोई ऐसा मिल जाए, कोई तहधारी, तो ये भी एक अग्नि तरह, इस पथ में ये भी एक बाधा कहो या शिक्षक कहो आएगा। केवल इसमें एक ही ध्यान रखना है कि जब ऐसा अकेलापन आ जाए, टेम्पररी साथी कोई मिल जाए तो ठीक है, पर परमानेंट साथी किसी को नहीं बनाना, क्योंकि ये हमारे चित्त की भी एक ट्रांजिएंट स्टेज है। थोड़ी देर में हम फिर अपनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे। हमें याद है जब हम BSES वहाँ थे और हमने ये निश्चय कर लिया था कि अभी मुझे वापस जाना है मधुबन, यहाँ नहीं रहूँगा, कैसे रहूँ इन लोगों के साथ, ये सब विकारी लोग हैं। वहाँ मुझे मैसेज आया था जब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैसेज में था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन यू मस्ट बर्न लाइक सन फर्स्ट। यदि तुझे सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। बस इस एक विचार ने हमें उस मुंबई में रोक दिया, नहीं तो मुंबई जैसी दुनिया में हम 3 साल, असंभव, जो कि यहाँ रहा है, जिसने मधुबन को देखा है और मधुबन के वायुमंडल में जिसने तपस्या की है, रात को 1:30 बजे उठ के आते थे तब, पीछे से पैदल हॉस्पिटल से पीछे, उस समय लोग कहते थे मत आओ, भालू, कौन भालू और कैसे भालू, कई बार भालू एकदम सामने वहां और हम यहां, पर नशा इतना भयंकर, भगवान मिल गया है, क्या करूं, क्योंकि जो मिला था वो इतनी भयंकर और प्रचंड संघर्ष के बाद मिला था। वो भालू सामने, हम आगे, उसको दृष्टि देते रहते थे 15 मिनट, उसको कहते थे गो, हमारे 2 बज रहे हैं, निकलो। और फिर मधुबन पहुंचते थे, वहां कहते थे अरे भालू आया था, तुमको दिखा तो नहीं, हमने कहा नहीं दिखा, बताएंगे तो चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, टाइम जाएगा। अकेलापन आ जाता है कई बार, पर समझ लेना ये अकेलापन अनित्य है। इसको भरने के लिए मुझे किसी को साथी नहीं बना देना है परमानेंट बेसिस पर। एक डेटा है, वो डेटा कहता है कि लोग टीवी क्यों देखते हैं, फिल्म क्यों देखते हैं, टेलीविजन क्यों देखते हैं, सिनेमा क्यों देखते हैं, 10% उस फिल्म के लिए और 90% अपने अंदर जो एम्प्टीनेस है उसको भरने के लिए। क्यों देखते हैं, अंदर खालीपन है, खाली खाली है अंदर, कुछ नहीं है, कहाँ है ज्ञान, कहाँ योग, कुछ नहीं है। एक ऐसी अवस्था आती है कि जैसे मैं खाली ही रह गया, ये जो कराया ये सब दूसरों के लिए था, मेरा क्या था, कुछ भी नहीं था, और दुख हो जाता है। तो इस अग्निपथ में ये मार ये आएगा। दूसरा बैड न्यूज, बुरी खबरें,
जैसे स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, या फिर जो हमने खड़ा किया था सब कुछ नष्ट हो गया, चाहे सेवा केंद्र या और कुछ, चाहे एक इमेज। किसी लेखक ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, दे वीकन मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज। अच्छी खबरें नहीं लाओ, वो मुझे कमजोर बनाती है, मुझे बुरी खबरें लाओ, वो मुझे शक्तिशाली बनाती है। तो इस मार्ग में भी कदम कदम पर बुरी खबरें आएगी। तुमको पता है तुम्हारे बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, हम इतना अच्छे फिर भी हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहते, दुख होता है। पर यह भी सहन करना है, इस पथ पर सहन करते करते आगे बढ़ते जाना है। रोना भी नहीं है, हर परिस्थिति सिखाती है कुछ। अगर वो परिस्थिति आ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ एक राज उसमें छिपा हुआ है। और सब प्रकार की खबरें आएगी, परिस्थिति आएगी। एडिसन का सब कुछ जल के खाक हो गया था, इतना बड़ा जो एक्सपेरिमेंट लैब खड़ी की थी, उसके बेटे ने 1953 के रीडर डाइजेस्ट में ये अनुभव सुनाया था, लिखा था कि मैंने मेरे पिताजी को देखा, सब जल रहा है और मेरे पिताजी ऐसे खड़े हुए हैं और मुझे कहते जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। उसने ये सीन कभी देखा नहीं होगा, इतनी बड़ी आग का, उसमें इतना सालों का रिसर्च सब कुछ था, वो सब भस्म हो रहा है। कोई दूसरा होता, हम ही होते तो कितने दुख करते, हमने जो इतना बड़ा खड़ा किया और वो ऐसे देख रहा है, और 6 मास के अंदर फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। वो इसलिए नहीं, दुख अंदर से दुख नहीं था, अंदर से कोई शोक नहीं था, परंतु संकल्प था कि फिर खड़ा कर दूंगा, वो संकल्प की शक्ति थी। और परिस्थितियों में अचल अडोल अवस्था थी, स्थिर, चाहे कुछ भी होता रहे। दादा लेखराज के खिलाफ कितने कितने आरोप लगे, ऐसे ऐसे विटनेस खड़े हुए कटघरे में, जिन्होंने क्या क्या विटनेस दी कि हमने दादा को देखा है ये बहनों के शरीरों को हाथ लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे विटनेस देने वाले थे, झूठी विटनेस। बाबा अचल अडोल थे, ना उनके उनको कुछ प्रूव करना था, ना कुछ बताना था। वो तो कराची में थे, सारे विरोध हो रहा था, ओम राधा हैंडल कर रही थी उधर। एक किताब है, इज दिस जस्टिस्ट, बाय ओम राधा जगदम्बा सरस्वती। यज्ञ की यहाँ कहीं है नहीं ऐसे अवेलेबल, बट उस किताब में बहुत डिटेल वर्णन है। इज दिस जस्टिस, बहुत बहुत रेयर बुक यज्ञ की, उसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी है जो शायद हम में से कई सारी बातें हम जानते नहीं हैं, और उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। दूसरा, बुरी खबरें, बैड न्यूज इस मार्ग में आएगी, सब आएगा। जो कुछ हमने इतने सालों तक खड़ा किया था सब एक क्षण में नष्ट हो जाए, फिर भी अचल अडोल। उसका था उसने ले लिया, मेरा कुछ भी नहीं था। तीसरा, क्रिटिसिज्म। इस मार्ग में हमारा विरोध करने वालों की कमी नहीं है, जो हम करेंगे उसका विरोध, अपोजिशन, सब कुछ होगा, और कारण नहीं है फिर भी होगा। और वहीं पर आत्मा दुखी हो जाती है, गिर जाती है, इस पथ से हट जाती है, सोचती है कि हम ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है। फिर कह रहे हैं ये अग्निपथ है, ये अग्निपंथ के पथी पंथी है, हम इस अग्निपथ के इसी में चलना है, इसी में जल जल कर, जल जल कर, जल जल कर एक दिन हीरा बनेंगे। वो अनुभव ही हमें हीरा बनाएगा, वो अनुभव ही हमें अचल अडोल बनाएगा। एक तरफ संसार स्तुति कर रहा है, दूसरी तरफ निंदा कर रहा है। योगी अब प्रभावित है, ना स्तुति से प्रभावित है, ना निंदा से प्रभावित है, सबको अनित्य जानता है। समता, समता ही पवित्रता है, इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी, पवित्रता की सर्वोच्च परिभाषा। वो ब्रह्मचर्य, व्यर्थ संकल्प, वो सब तो है ही है, पर पवित्र अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी,
सब कुछ, आज इतने हजारों स्टूडेंट है, कल कोई नहीं रहेगा, आज सब स्तुति करते हैं, कल कुछ नहीं करेंगे, सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है इस संसार में। आज स्तुति, कल निंदा, फिर स्तुति, ये सब होते रहेगा। क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, ये व्यक्ति को हर्ट करता है जब हमारी कोई निंदा करता है, और उसमें अगर हमारे सामने बहुत अच्छा बात करे और हमारे पीछे निंदा करे, वो तो और ज्यादा हर्ट करता है। उसके बाद में अगला, डिजायर्स, इच्छाएं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, इन स्पिरिचुअलिटी डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स। प्रसिद्ध होने की इच्छा अध्यात्म में मृत्यु है, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। एक है कि भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए, प्रसिद्ध हमें नहीं होना है, उसे करना है। हम छिप जाए, वो दिखाई दे, अभी हम दिखाई दे रहे, ये भी कहीं ना कहीं गलती है। हमारा अपना ही अनुभव है, कोई आकर हमसे कहते हैं आपने ये बहुत अच्छा बोला, हमें लगता है मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये कुछ ना कुछ तो गलती हम कर रहे हैं। दीदी को किसी ने कहा, क्लास हुई, मनमोहिनी दीदी, दीदी आपकी ये जो क्लास है ना, एक कुमार बहुत प्रभावित हुआ है, वो कहता है इसका रिकॉर्डिंग उसे चाहिए, दे क्या? दीदी ने कहा अभी तो क्लास में वही तो बताया, एक बाप दूसरा ना कोई, उसी को याद करना है। नहीं, वो कहता है उसको इतना पसंद है, वो बार बार सुनना चाहता है। दीदी ने कहा वही तो कहा है कि देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है, नहीं दिया उसको। इच्छाएं, और हर इच्छा, चाहे कोई भी इच्छा हो, दुख की तरफ ले जाती है कहीं ना कहीं, वो कितनी भी अच्छी इच्छा ही क्यों ना हो। सतोगुणी सतो प्रधान, एक बहन ने अनुभव सुनाया था विदेश की, फॉरेन कंट्रीज में गई, मुस्लिम देश था, सेवा हो नहीं रही थी, इतने मास हो गए, दादी जानकी से संपर्क चलता था, एक बार बहुत दुखी हुई, इतने मास हो गए क्यों सेवा नहीं हो रही है। दादी ने उसको कहा तुम्हें गलती कर रही हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको ब्राह्मण नहीं बनाने, मैसेज देना है बस। दुखी क्यों हो रही हो? क्योंकि मुझे ब्राह्मण बनाने हैं, बुझे बनाने हैं, वो भी तुम्हें ब्राह्मण नहीं बनाने हैं। क्या करना है? संदेश, मैसेज देना है बस, एंड गेट डिटैच्ड। बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम दुखी इसलिए भी होते हैं, इतनी सेवाएं करते फल नहीं निकलता है तो दुखी हो जाते हैं। हमें केवल मैसेज देना है बस। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे कई कई सालों पहले, देखा उस सेवा केंद्र, छोटा सा शहर, दो ही स्टूडेंट आते हैं उस केंद्र में, वो बहन जी और दो स्टूडेंट, एक बुजुर्ग और एक कोई दूसरा। हमने पूछा यहाँ पे दो ही स्टूडेंट है पर हमने देखा उस बहन की स्थिति बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने कहा ये कोकन एरिया है, यहाँ नॉनवेज खाते, मच्छी खाते हैं लोग, तो उनको पता है ब्रह्मा कुमारीज में आना अर्थात वो सब छोड़ना होता है, इसलिए कोर्स तो करते पर रेगुलर नहीं हो पाते। और मैं इस सेंटर पर रहने से पहले किसी और रिट्रीट सेंटर पर थी, वहाँ इतनी सेवाएं थी, इतनी सेवाएं दिन रात, पर अभी यहाँ पर हूँ कुछ सालों से, तो सब कुछ करने के बाद में भी दो ही है। उसने एक बात कही जो हमें आज तक याद रहती है, उस बहन ने कहा मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है,
और क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी सेवा नहीं है, तो मैंने ये लक्ष्य रखा है कि मुझे अपनी स्थिति बनानी है। हमने देखा, हम उस सेवा केंद्र में 2-3 दिन रुके थे, वो बहन 2 बजे ऐसे बैठी है जैसे कि वो कमरे में ऐसा लाइट, इतना छोटा सा सेवा केंद्र पर ऐसा पावरफुल। वास्तव में स्थिति बहुत ऊंची थी। उनके साथ हम वहां पर, एक जेल था वहां पर भी सेवा करने गए थे उस समय। तो इच्छाएं, उसने कहा कि बीज बो दिया है, फल निकलेगा अपने समय, ज्ञान अविनाशी है। उसके बाद में अगला ईगो, मैं, ये सबसे बड़ी बाधा है इस ब्राह्मण जीवन में। हमारा सारी सेवा मैं के इर्द गिर्द घूम रही है। हम चाहते हैं कि हम, मैंने किया ये, हम प्रत्यक्ष होना चाहते हैं। जड़ें प्रत्यक्ष होना चाहती है, जड़ें बाहर निकलना चाहती है। लोग क्या करेंगे, जड़ों को देखते काट कर लेके चले जाएंगे। बस यही इच्छा है। उस दिन भी कहा था, बाबा को लो प्रोफाइल रखने की इच्छा थी हमेशा। बाबा को पता चल जाता था कि लोग, फला स्टेशन पे मैं उतरने वाला हूँ, वहाँ बहने भाई हार लेके खड़े हैं, एक स्टेशन पहले ही उतर जाते थे। डिजायर टू मेंटेन लो प्रोफाइल। हाँ, वो दूसरी बात है कि प्रत्यक्ष हम लोग कर रहे हैं, पर हमारी अंदर से इच्छा नहीं है कोई। मैं की मटकी फूटी, दिल मक्खन मक्खन हो गया। सारा पुरुषार्थ यही है, इस मैं की मटकी को फोड़ने का। उसके बाद में अगला फीलिंग देवी, फीलिंग देवी। किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट। किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट, दुखी हो जाना। इस मार्ग में तो बहुत कुछ सहन करना है। हमें अपने ही अनुभव याद है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, किसी को दुख देख नहीं सकते थे। जब हम MBBS में थे, हॉस्टल में रहते थे, एक चोर घुसा आया हॉस्टल में और उसको पकड़ लिया गया, और नीचे पुलिस आई। हॉस्टल में हमारा 3rd फ्लोर पे हमारा कमरा था, और उस पुलिस ने पकड़ के उसको मार रही है, वो हमसे देखा नहीं, हम भाग के गए अपने कमरे में। बहुत बड़ा श्री कृष्ण का पिक्चर लगा हुआ था, सिर रखा चरणों में कि हे गोविंद, हे गोपाल, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो। वो दुख देख नहीं सकते थे उसका, पर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, सिक सिक झुक झुक मरमर, सब वो सब कुछ जो हम देखना नहीं चाहते वो होगा। और अगर हम सेंसिटिव हो जाए और तो बार बार दुखी ही होना पड़ेगा। इसलिए इस संस्कार पर काम करना है। आपकी भट्टी जब पूरी हो जाएगी तो रियल भट्टी, जैसे हम हर भट्टी को कहते हैं, यहाँ से अपने घर जब पहुँचोगे वहाँ से रियल भट्टी चालू होगी, ठीक है। और वो हर एक को अपनी भट्टी करनी है। उसका टॉपिक अगले 2-3 दिन में आपको दिया जाएगा, टाइम 2 से 5 के बीच, भगवान के द्वारा। और कौन सा टॉपिक होगा, जिसका ब्रह्मचर्य डोलता है वो केवल ब्रह्मचर्य पर 21 दिन काम करेंगे। जिनको फीलिंग की बीमारी है, फ्लू की बीमारी, थोड़ा कुछ कहता है कोई, दुखी हो जाते। यहाँ पर तो इतना पक्का बनना है, सारे तीर चुभे हुए हुए और हम खड़े हो, अच्छा लडोल, निंदकों के तीर, विरोधियों के तीर, सबके साथ, टांग खींचने वालों के तीर, सबके साथ, फीलिंग से मुक्ति। तो अपनी 21 डेज की भट्टी प्लान करनी है। कब पहुंचेंगे लखनऊ? 5-6, तो 7 से भट्टी चालू होगी आपकी।
21 डेज काउंट करके रखो कैलेंडर पे, टिक मार्क करके रखो, और एक एक दिन भट्टी का काउंट करना है। आज 7 तारीख पूरी, आज 8 तारीख पूरी, किसी की भोजन की हो सकती है, किसी की समर्पित जीवन में आने वाले विघ्नों की, किसी सेवा की हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी का केवल अमृत वेले पर हो सकती है, अमृत वेला सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है, अपनी भट्टी का टॉपिक दिया जाएगा। इसके लिए अगले 2-3 दिन यहाँ ऐसे स्टूडेंट की भांति बैठो, भूल जाओ मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, छोटे बच्चे की तरह लिखो, नोट्स निकालो, समर्पण कर दो कि मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे सेवा पता है, ना केंद्र पता है, ना कुछ पता नहीं, ना वो जॉब, वो ड्यूटी, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। अगले 3 दिन उस समर्पण की अवस्था में, ऐसी ही समग्रपन की अवस्था में भगवान के द्वारा कुछ दिया जाएगा ऊपर से। ये करो, अपने आप आएगा। संकल्प करके बैठेंगे दो 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 तो नहीं आएगा। बार्गेन करोगे, नहीं ठीक है, 90 ठीक है, 80 ठीक है, 70 चलो, 10 से काम चला लूंगा, 1 रुपया तो दे दो, नहीं आएगा। समर्पण भाव में बैठ जाओ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुरली क्लास, यहाँ की होने वाली क्लास, चाहे कोई भी क्लास करा रहा है, एक संकल्प के साथ बैठो कि जो सामने बैठ के क्लास करा रहा है उसको टचिंग कराने वाला ऊपर है, और जिसको मैं समझता हूँ इनके द्वारा कुछ मिलने वाला उनके द्वारा नहीं मिलेगा, मिलेगा उसके द्वारा जिनको हम थोड़ा कम समझते हैं, उसी के चिंतन में हमें अपने जीवन का एक सुराग मिलेगा। इस भाव से बैठना है। उसके बाद में अगला सुनहरी टोली, गोल्डन गैंग, सब जगह होती है, ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी पीएचडी, एमडी स्पेशलाइजेशन होती है परचिंतन, प्रदर्शन और परमत में, वो एक्सपर्ट होते हैं किसके, किस पर, दूसरों पर पीएचडी करने में। हमें अपने जीवन के बारे में जितना पता नहीं उनका, उनके उनको उतना ज़्यादा पता है, कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए उनका, अपना ज्ञान योग का त्याग कर कर, इतना बड़ा त्याग, अपने अमृत वेले के समय पर हमारे अवगुणों का गहन चिंतन कर कर, बाबा से टचिंग्स लेकर युक्त ढंग से, ताकि कोई ये भी ना कहे कि तुम उसकी ग्लानी करते हो, नहीं, वो ग्लानी नहीं, ज्ञान युक्त निंदा दिखाई दे, इतना कोई हमारे लिए करता तो कितना उसका धन्यवाद। 100 लोग तारीफ करने वाले हमें उतना नहीं सिखाते जितना एक निंदा का शब्द सिखा देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, फिर भी हमें मजबूर करता है भीतर झांक। वो जो कह रहा है ना, वो भी उसको बाबा ने ही टच कराया है, उसको भी भगवान ने टच कराया है, तो जरूर वो, हमें तो ऊपर से दिखता है मैं और ऐसा बिल्कुल नहीं, उसने गहन योग की अवस्था में वो चिंतन उसे प्राप्त हुआ है हमारे अवगुणों का, वो गलत कैसे हो सकता है, उसने अपना पूरा एक अमृत वेला दांव पर लगाया है। कुछ तो राज होगा, ही इज गिविंग सम हिंट। ऐसी टोली से दूर रहना है और अब प्रभावित भी रहना है। उसके बाद में एक अंतराल, गैप, एक दुख हो जाता है जब देखते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ और लक्ष्य बहुत आगे है, कैसे पहुँचेंगे, बस ये चिंतन ही दुखी बना देता है। सब कुछ कर लिया पर हो तो नहीं रहा है, कोई ना कोई बाधा, कभी शरीर की बाधा, कभी कोई डिपार्टमेंट की बाधा, सेवा केंद्र की बाधा, कहीं ना कहीं से कोई बाधा आती है और वो मुझे कैसे मैं पहुंचूंगा। परंतु अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरा आज का सच है, समय तो समर तो शेष है, फिर भी दरकती हिमशिलाए, सर्दियों के बाद हरदम ही बसंत आता रहा है। अंधेरा बहुत गहरा है माना, पर पहुंचेंगे, हम होंगे कामयाब, बस इस विश्वास से, यू आर ऑन द पाथ।
आगे बढ़ते जाओ, देख रहे प्रोग्रेस हो नहीं रही है, इंच इंच हो रही है बस, कभी कभी तो रिवर्स जा रहे, पर फिर भी रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कई बार ऐसा आया कि छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं करो, जो पहले ठीक चल रहा था सब, जिसको बनना है बाप समान बनने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमसे नहीं होता है, ऐसे कईयों ने हार मान ली, सब छोड़ दिया, ये बाबा भी बाप बहुत हो गया, दूसरों को सिखाया, अब नहीं होता है। हमें एक और घटना याद आ रही है MBBS की, टीचर थे फार्माकोलॉजी के, हमें सुनाया अगर उसकी ट्यूशन नहीं लगाई जाए तो फेल कर देंगे। कंपलसरी है लगाना। इतना दुखी हो गए थे, अंधेरे में छत पर घूम रहे थे, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, पर तू जो है खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, गीत बजा कहीं से, शक्ति आ गई एकदम कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितना भी अंधेरा घना है। कई बार ऐसा हुआ कि गिर गए नीचे, देखा कोई भी नहीं है उठाने के लिए, हॉस्पिटल में थे BSES मुंबई में, एक पेशेंट आया बहुत सीरियस था, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, हम ड्यूटी पे थे, दूसरे दिन हमें इतना डांटा गया, क्यों डाला उसको, तुमको पता नहीं है वैसे भी वो जाने वाला है, वो मरने वाला है, उसको छोड़ देना था। कैसे छोड़ दूं, एक घंटा डांट खाई सिर नीचे करके, और वो पेशेंट बच गया। पर लास्ट में हमारे बॉस गए थे, सचिन गुड जॉब। ये अंतराल मिटेगा। उसके बाद में भ्रम, इल्यूजन, बहुत सारे भ्रमों के साथ हम चल रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे मदद करेगा, वो मुझे मदद करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा एक उसके सिवा। और ये वाक्य की अनुभूति अनुभव से ही होगी खुद के, तब तक ये केवल थियरी है, बस इसके लिए गिरना पड़ेगा तो ही ये अनुभव होगा, उसके सिवा ये अनुभव नहीं होता है, कोई भी नहीं है, बस वही है, उसके अतिरिक्त कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पुकार रहा हूं, मांग रहा हूं मदद, फिर भी नहीं मिलती है, एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा सगा इस संसार में कोई भी नहीं, इसके अलावा जो कुछ है सब भ्रम ही भ्रम है। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जल्दी आओ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो पति कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही रेस्टोरेंट में पीछे तुम्हारी सीट में ही बैठा हूं जहां तुम खा रही हो। सब झूठ, झूठ खंड है, ये सारे वादे झूठे हैं, यहाँ के लोग झूठे हैं, सच की आज सुबह की मुरली है ना, सच की रत्ती भी नहीं है यहाँ, एक्सपेक्ट ही मत करो। और ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई सीधा सफेद ड्रेस और बैच लगा ले तो उसका पूरा स्वभाव सब कुछ बदल गया, ये तो ऊपर ऊपर वो क्या कहते हैं लिपा पोती होती है, वो हो गई है, वो मिट्टी मिट्टी का, सोने का पानी उतर जाने के बाद मिट्टी बचती है, सोने का पानी चढ़ाते ना। ये ज्ञान बड़ा गहरा है, इतना आसान नहीं है। श्वेत वस्त्र और बैच से दादी कहती थी बीके बनना बहुत आसान है, ब्राह्मण बनना कठिन है। बीके तो सब है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उसके बाद में ज्वाला, ईर्ष्या और घृणा की ज्वाला। हमारे आगे कोई जाने जाता है तो डर लगता है कि मेरे से आगे जा रहा है, ये कंपटीशन। अध्यात्म में किसकी कहाँ कंपटीशन, हम देख रहे हैं कोई बहुत आगे जा रहा है, उसका पार्ट अलग है, हमारा पार्ट अलग है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी दो आत्माओं के बीच,
कभी नहीं हो सकता. एवरी सोल इज यूनिक, नॉट जस्ट यूनिक, एवरी सोल इज मास्टरपीस, उत्कृत अप्रतिम कलाकृति है परमात्मा की. हर आत्मा अपने आप में विशेष है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. और मैं अपने आप में विशेष हूँ, मेरी तुलना किसी से मैं नहीं कर सकता. और किसी को देखकर मुझे दुखी भी नहीं होना है, इन्फीरियोरिटी में भी नहीं जाना है, ये इतना अच्छा मैं वैसा भी नहीं है. उसके बाद में इस मार्ग में 11वां इस वायुमंडल की का प्रभाव, पवित्रता हम तो धारण करना चाहते हैं, सब कुछ है, परंतु वायुमंडल में हवाओं में ही अपवित्रता है. कुछ खोलो, जो चैनल खोलो, सब में अपवित्रता है. इस वायुमंडल में स्वयं को कैसे सेफ रखे, इसके लिए मुरली सुनना है, सेवा केंद्र पर जाओ, वहाँ बैठो, उस वायुमंडल में 1 घंटा बिताओ तो पावर आएगी. सुन तो कहीं पे भी सकते, कार में बैठ के सुन सकते, सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ भी सकते, परंतु सेंटर पर जाने का उद्देश्य केवल मुरली सुनना नहीं, वहाँ के प्रकंपनों को कैच करना है, वहाँ की ऊर्जा को लेना है. एनर्जी इज डिलाइट, किसी कवि ने लिखा है, विलियम ब्लेक. ऊर्जा में आनंद है, वहाँ ऊर्जा होती है. अगला भय, 11वां 12वां लास्ट भय को छोड़ देते हैं, काम विकार. चाहे काम में दो ही चीजें आती है, कामना और काम. सारी मुरली कल की किस पर थी, पवित्रता पर. कितनी सारी स्ट्रिक्ट, 1 मास के लिए फुल स्टॉप योगी बन जाओ, यहाँ का प्रभाव केवल 15 दिन 20 दिन ना रहे, 1 मास रहे, इतना लक्ष्य रखो. फुल स्टॉप योगी जो हो गया फुल स्टॉप, अब तक विकर्म हो गए फुल स्टॉप. अगर ब्राह्मण बनने के बाद विकर्म हुए हैं तो यहाँ से जाने के बाद अपनी 21 दिन की भट्टी करना है. वो भट्टी होगी रिपेंटेंस की भट्टी, पश्चाताप की भट्टी, प्रायश्चित्त की भट्टी. चिंतन करो, गहन सोचो, क्या क्या किया और क्यों किया, कौन सा एक आवेग आ गया था जिसने मुझे वो करने के लिए मजबूर कर दिया. प्यूरिटी टूटी, कायदा है, वो कायदे को तोड़ा, लॉ को तोड़ा, आउट. तो ऐसी ये 12 बातें. और यदि हम सोए हैं तो उसकी भी चिंता नहीं, ये पथ ही हमें जगाएगा. एक एक चोट जो लगती है चेतना को, वही जागरण का काम करती है. इसलिए सम माया इज नीडेड, माया जरूरी है थोड़ी थोड़ी, और बीच बीच में आनी चाहिए. और व्यक्तियों के द्वारा आए तो बहुत अच्छा, और जो निकट के व्यक्ति है उनके द्वारा आए तो अहो भाग्य, उससे हम क्या रहते हैं, जागे हुए रहते हैं. और हमें युक्ति भी मिल जाती है, जैसे 2 प्रेमी कहते हैं बहुत विरोध कर रहे हैं माँ बाप, चलो जाके मर जाते हैं, इतना प्रेम है दोनों को, दोनों साथ साथ आत्महत्या कर लेंगे खुश खुशी. दोनों खड़े होते हैं, खाई है नीचे, वो भाई पहले कूदता है, और ऊपर से कहता है, पैराशूट खुलता है, मुझे पता था तुम्हारा तुम नहीं कूदोगी इसलिए पहले से व्यवस्था. ये ऐसा संसार है. तो 12 बातें हमने देखी. सबसे पहला ए, अलोननेस. बी, बैड न्यूज आएगी, स्थिर रहना है. सी, क्रिटिसिज्म होगा, परंतु यदि हमें पता है हम राइट है तो पीछे नहीं हटना, बिल्कुल स्थिर रहना है. डी, डिजायर. क्या इच्छाएं करे, पर संगम युग पर जो हो रहा है परमात्मा आज्ञा से, आदेश और इच्छा से हो रहा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है. हम कौन है उसके आगे, Thy will shall be done. जीसस क्राइस्ट सूली पर लटका हुआ कहता है, प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, और फिर तुरंत उसे पता चलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं.
एकदम जैसे एक पल के लिए बेहोशी आ जाती है और फिर कहता है लॉर्ड थाई विल शैल बी डन, राजी तेरी रजा में। उस जैसी चेतना में भी एक पल के लिए बेहोशी आ जाती है कि ये क्या हो गया इतना पीड़ा, और फिर कहता है ना थैंक्स। ई फॉर ईगो, एफ फीलिंग देवी नहीं बनना है, इधर बहुत सहन करना है, अभी तो कुछ सहन ही नहीं किया है। तुम्हारे अब तक के जो दुख है ना एकदम छुटपुट बिल्कुल लिंबू टिंबू है, बड़े बड़े दुख तो अभी आने वाले हैं, पहाड़ जी। उसके बाद में गोल्डन गैंग हर जगह होती है ये, और उनका बड़ा धन्यवाद क्योंकि उनकी वजह से हमारा आधा काम तो वो करते हैं, क्योंकि हम इतने बिजी है हमें अपनी चेकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो बेचारे उनका पूरा रिसर्च करने के बाद उनका जो थीसिस बाहर निकलता है और जो पब्लिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि ये थीसिस सब पढ़े तो, और उसके कंक्लूजन्स फाइंडिंग्स होती है, पूरी स्टडी होती है, कंप्लीट एनालिसिस होता है वो तो एक प्रत तो हमारे पास होनी चाहिए उसकी भी। एच एच अर्थात हायटस, इंग्लिश शब्द है हायटस अर्थात गैप, एक अंतराल, एक डिस्टेंस बीच का। ये हायटस कितना भी बड़ा हो फिर भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें याद है एक बार जीवन में हम ऐसे इतना शायद क्या हुआ था पता नहीं, जैसे गिर गए और फिर एक गीत सुना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, फिर उठ के खड़े हो गए। जैसे शक्ति आ गई उन शब्दों से कि मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। आए इल्यूजन भ्रम, जे ज्वाला ईर्ष्या और घृणा, कंपटीशन नहीं, के एक किताब में हमने पढ़ा था, उन्होंने वही शब्द रखा था डार्क शैडो, काली छाया इस वायुमंडल की, इस वातावरण की तुम्हें प्रभावित ना करे, कैसा भी कितना भी विकारी वायुमंडल हो परंतु हम स्थिर रहे, प्रभावित नहीं होने दे अपने आप को, कितने भी गंदे वायुमंडल में भी जाना पड़े, रुकना पड़े, रहना पड़े, फिर भी आप प्रभावित। और लास्ट एल लस्ट, काम विकार। तो अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है, सभी स्थिर होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल बंद, दस मिनट है, दस मिनट शरीर की संपूर्ण हलचल को समाप्त कर देंगे, और ये अभ्यास बार बार बाद में भी करते रहेंगे, एक घंटा तक अभ्यास को लेके जाना है, बिना हिले डुले, उंगली भी ना हिले, इतना स्थिर बैठने का अभ्यास करना है, पोस्चर जैसे बुद्ध बैठा है, जैसे जैसे महावीर बैठा है, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, स्थिर अचल डोल। बुद्ध आए हैं, देखा उनका एक भिक्षु बैठा हुआ है, कहते साधो साधो हिमालय जैसा अचल बैठा है, ये योगी की अवस्था है। चले स्थूल के अनंत सागर में चैतन्य की जो बूंद है, मैं हूं। अग्निपथ का पंथी हूं, राजपथ का योगी हूं,
तपस्वियों में महातपस्वी हूं। मैं किस सिर का सौदागर हूं, मैं का बलिदान, मैं की आहुति चढ़ाने वाला महायोगी हूं। सभी आंखें बंद करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक सूक्ष्मता से अपनी देह को देखेंगे। आंखें अनित्य है, ये कान, ये स्वाद, ये जिह्वा, ये चेहरा, ये हाथ, ये छाती, ये पेट, ये पैर, सब कुछ कितना नश्वर है। डिटैच्ड हूं, निस्तब्ध मौन, एक भी आवाज चुप्पी, स्वप्न जागृत सुषुप्ति से परे तुरिया में निर्वाण की अवस्था। सभी शरीर को छोड़ सूक्ष्म वतन में आंखें खोलकर बाबा को देखेंगे। शक्तियों की अविरल धारा, परमात्म नैनों से बाबा भगवान का वरदानी हाथ सिर पर, जिस भट्टी का मैं शुभारंभ करने वाला हूँ, वाली हूँ, यहाँ से जाने के बाद स्व की भट्टी, अकेले की भट्टी, गुप्त भट्टी, बाबा वरदान दे रहे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। सभी बिना आवाज के अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। इस तरह आंखें बंद, हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, इस तरह एक लाइन में सबके हाथ होंगे, एक लाइन में सबके हाथ होंगे। आंखें बंद, इन दो हाथों से ऊर्जा का प्रवाह मेरे अंदर हो रहा है और मुझसे इन दो आत्माओं में
पवित्रता की करंट जा रही है। स्वयं को देखेंगे ऊपर से नीचे तक, अंग अंग में पवित्रता है, हर कोशिका में पवित्रता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मन, बुद्धि, कर्म, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कार, धन, भावनाएं, स्मृति, स्वप्न, देखना, सुनना, खाना, पढ़ना, सोना, पवित्रता ही पवित्रता। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है। सारे हॉल में पवित्रता का साम्राज्य, बाढ़ आई है प्यूरिटी की, पूरे शरीर में प्यूरिटी का करंट अनुभव करेंगे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं, तेज लेजर बीम की तरह एक एक अंग से प्यूरिटी की करंट पास हो रही है। धारा प्रवाह ऊपर से नीचे तक देखते जाना है शरीर को। प्यूरिटी, प्यूरिटी, प्यूरिटी ही प्यूरिटी। प्यूरिटी का एक वर्तुल, प्यूरिटी का करंट, मन शांत, सभी नीचे बैठ जाएंगे। दृष्टि एक टक, एक रस, परमात्मा शक्तियों को चेतना में आमंत्रण। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी लखनऊ निवासियों की तरफ से हमारे प्यारे बाबा के विशेष रतन सचिन भाई जी को दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने सिर्फ क्लास ही नहीं कराया, अनुभव भी कराया। आज शिव जयंती के दिन 12 ज्योतिर्लिंगम तो हमने दर्शन किया, अपने 12 चीज़ों को भी हमने पहली बार देखा ना, ये वाले 12 चीज़ों को तो देखने का एक सुंदर सा आईना हम सबको मिला, जिस पे हम सबको काम करना है। जाने के बाद हमारी 21 दिन की भट्टी शुरू हो जाएगी,
तो एक ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के हम जाएंगे तो विशेष जो अनुभूति कराई पवित्रता की, तो आप सभी फील कर रहे होंगे आज इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो मैं दिल से भाई साहब का धन्यवाद देती हूँ। आप सब सुन भी रहे होंगे ना, 108 दिन की विशेष भट्टी भी इनकी चल रही है सवेरे।